भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बालाघाट के लांजी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कार्यक्रम पूर्व से सुनिश्चित था, जिसके चलते यहां पर भाजपा द्वारा पहली सूची में घोषित प्रत्याशी राजकुमार कराहे के समर्थन में आयोजित पदयात्रा और जनसभा रखी गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और भाजपा के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। अपने भाई जालम सिंह पटेल की सराहना करते हुए कहा कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, पर मेरे भाई ने मिसाल पेश की है। महिला के स्वाभिमान को मजबूत करने वाली योजनाएं, उसके स्वास्थ्य की चिंता करने वाली योजनाएं, क्योंकि हम सांस्कृतिक विरासत को मानने वाले लोग, हमारे समाज में महिलाओं का स्थान हमसे ऊपर रहा है। लोग कह सकते हैं आप कैसे कह रहे हो, जिसने इतिहास पढ़ा है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, वो स्वीकार कर लेगा कि प्रहलाद पटेल ठीक बोल रहे हैं। जिनने गुलामी का इतिहास पढ़ा है वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, मुगलों के अत्याचार ने मूर्तियों को तोड़ा, हमारी भावनाओं को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की चिता उछाली, तो हमने अपनी बहन बेटियों को पर्दे के पीछे किया, जहर दवाली के पीछे किया। लेकिन इतिहास हमारा ऐसा नहीं है। आचार्य शंकर के समय की परंपराओं को देख लो, माता और बहनों का स्थान हमसे ऊपर था। हमारी सारी सांस्कृतिक परंपराओं में, पूजा पद्धतियों में, शास्त्रों में, सब में महिलाओं को हमसे श्रेष्ठ स्थान है। क्यों दूर जाना, 500 साल पहले अभी रानी दुर्गावती की जयंती मनाई जा रही है, 500 साल पहले पैदा हुई दुर्गावती, गौड़वाना साम्राज्य की गौरवशाली परंपरा के साथ 500 साल पहले उस रानी ने अकबर से युद्ध किया, और वो जहां से अभी मैं सांसद हूं वहां उनकी पहली राजधानी थी। वो जैसे कहते हैं कि रतलाम का नवाब हारा तो उस महिला का दूरदर्शिता देखे, तब तो ऐसे संसाधन नहीं थे। उनने अनुमान लगाया कि अकबर की सेना होशंगाबाद के रास्ते मेरे राज्य पर हमला करेगी। रात और रात उन्होंने अपनी राजधानी नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ में बनाई, और पहली लड़ाई उनके अनुमान के मुताबिक नरसिंहपुर और होशंगाबाद की धरती पर हुई। लड़ते लड़ते जबलपुर में आकर उनकी शहादत हुई। आप कहते हो उसकी मेघा में कमी, मेरी मान्यता उलट है। हम कितने ही ताकतवर हो, लेकिन हमारे घर में अगर हमारी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, उसका आकलन अगर किसी बाहरी कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार में आए, अगर जो आकलन वो दे दे, तुम्हारा बुद्धि तुम्हें भले मानने के लिए मजबूर ना करे, लेकिन कभी ना कभी उसकी बात सच होगी, ये बात ध्यान रखना। जो संवेदनशीलता